स्नेक प्लांट, सेंसेवेरिया प्लांट जो होता है, ज़्यादातर गर्मी के मौसम में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, ये मई, जून, जुलाई, इन मंथ में जो होता है, काफ़ी ये गलने की प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। बाकी ये पूरे साल से ही चलता है, इसमें कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख रहे हैं आप कितना ये बुरा हाल हो चुका है इसका, किस तरह से बिल्कुल सारी पत्तियाँ झुक चुकी हैं। ये तो ये गलने का जो प्रॉब्लम इसमें आता है वो ज़्यादातर नए प्लांट्स में आते हैं। नए प्लांट्स मतलब आपका प्लांट जो है जिस पॉट में लगा हुआ है वो बहुत पुराना टाइम से लगा हुआ नहीं होता है, तब ये होता है। और ख़ास करके ये जो मंथ जो होता है मई, जून, जुलाई, इनमें होता है, क्योंकि हाँ, और मेन रीज़न तो वैसे पानी डालने की वजह से होता है, पानी ज़्यादा डालने से ही होता है। कम डालने से तो ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं, लेकिन पानी कम ज़्यादा तो पूरे साल चलता रहता है। या आपने देखा होगा जो पुराने पॉट होते हैं जिनमें ये स्नेक प्लांट बहुत सालों से लगा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। कितना भी पानी डाल दीजिए, कोई भी वेदर में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, कुछ नहीं होता है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम होती है सिर्फ जो नए प्लांट जो लगे रहते हैं उसमें, हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो होता है। लेकिन तब होता है जब ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तभी ये होती है, क्योंकि ये उस समय आप ज़रा सा भी एक्स्ट्रा पानी डाल दें तो इसमें पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और वो पत्तियों को गलाना शुरू कर देता है। ऐसे करते करते देखिए, मैंने इसको प्लांट को थोड़ा कम देखा और जिसकी वजह से देखिए इसमें सारे के सारे इस तरह से हो गए हैं। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसी पॉट में कैसे इसको फिर से रिकवर किया जाता है, इसी के सारे प्लांट्स को लेकर के। मैंने थंबनेल पे डाला है इसी प्लांट को पहले, जब अच्छे कंडीशन आप उसको देख सकते हैं। और अब ये स्थिति आ गई है, क्योंकि ये पॉट जो है मुझे लगाए हुए करीब 6-7 मंथ हुए हैं, इसलिए वह जितना मेरे पास पहले पॉट थे बहुत पुराने लगे हुए, वो बिल्कुल सही चल रहा है और हर साल सही चलता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि कैसे इसी पॉट में और इन्हीं प्लांट्स को लेकर के, जो हमारे प्लांट इसमें से ख़राब हो गए, इन्हीं को हम फिर से इसी में कैसे इतने अच्छे से लगाएं कि वो वापस फिर से सही हो जाएगा। इस प्लांट को बार बार प्रोपोगेट करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बार बार आप इसको नए पॉट देंगे तो भी इसको पसंद नहीं आता है, इसलिए आप इसे ऐसे पॉट में लगाएं थोड़ा डेप्थ जिसकी ज़्यादा हो, और उसको सालों साल उसी पॉट में छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले इन पत्तियों को ही हटा देना है, इन सबको धीरे धीरे करके हटा दीजिए, ऐसे जो गल गए हैं, जो ये ख़राब हो गए इसको तो बिल्कुल ही हटा देना है। और ये देखिए, ये सबको भी दोबारा लगाया जा सकता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाएंगे। देखिए ये सबको हटा देखिए कैसे पड़ा हुआ है, ये देखिए सब इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। ये देखिए कुछ अभी इसमें, जैसे ये वाला अभी बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा है, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसमें ऐसी पत्तियों को रख दिया गया है। लेकिन देखिए ये देखिए थोड़ा सा इसको लगा हुआ था, इसको हटाना जरूरी हो गया था। ये देखिए इसमें कितने कम अब पौधे बचे हुए हैं। ये बिल्कुल सही है अभी, ये देखिए, क्योंकि ये बड़ा है। बड़े प्लांट्स को इसमें कम खराब होने के चांस होते हैं इसमें। ये देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये देखिए ये देखिए ये भी बहुत सही नहीं है, इसको आप निकाल सकते हैं या फिर ऐसे इसको सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ झुक चुके हैं ये, लेकिन आगे चल के शायद खराब भी हो जाए, तो इसको मैं ऐसे इस तरह से सपोर्ट दे दूंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से निकल नहीं रहा, क्योंकि ये सही से निकल भी नहीं रहा है और सही से खड़ा भी नहीं है। आप इसको ऐसे करके सपोर्ट दिया जा सकता है इसका। ये देखिए ये झुका हुआ है लेकिन सही है, इसको मैं अभी इस पर ठीक कर दूंगी। सिर्फ इतना ही बचा हुआ, आप देख सकते हैं इसको, देखिए और इतना सारा इसमें से निकला है। ये देखिए सारा मैं इसमें ही लगाऊंगी, पहले इस मिट्टी को कुछ ठीक कर लिया जाए, इसको पहले ठीक कर लिया जाए थोड़ा।
इसकी सारी पत्तियां यूजफुल हैं, इन सब इसकी सारी पत्तियां यूजफुल हैं, इन सर इसकी सारी पत्तियां यूजफुल हैं, आप इन सर इसकी सारी पत्तियां यूजफुल हैं, इन सारी पत्तियों को आप लगा सकते हैं, सबको काट दिया जाएगा, जहां से ये खराब हो चुका है वहां से हटा करके वापस जहां से भी कटा हुआ है वहीं से आप लगा देंगे इसको। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ, जैसे देखिए यहाँ से ये डैमेज है तो यहीं से इसको काट देना है। ये सारे ही देखिए डैमेज है, आप देखिए इसमें से सारे पत्तियां यूज हो जाएंगी, ये देखिए सूखा हुआ है ना, सूखा हुआ इसको यहाँ से काट देना है, ऐसे तैयार होता जाएगा। ये मैं नहीं लगा रही हूँ, ये देखिए यहाँ से काट लीजिए, जहाँ से सूखा हुआ है वहीं से काटा जा सकता है, एक एक करके सारा ही लग जाएगा ये। ये देखिए इतना सारा इसमें से निकला और ये सारा हटाने वाला है, इसको कंपोस्ट बिन में डाल दिया जाएगा और ये इनकी पत्तियां कुछ जो झुकी हुई है उसको सीधा कर देंगे। पानी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो जल्दी से जड़ लगाते वक्त सही रहेगा, उसके बाद पानी की बिल्कुल इसको जरूरत नहीं है, लगाने में बहुत आसानी रहेगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी इसकी मिट्टी फटाफट फटाफट ऐसे लग जाएगा। ये देखिए सिर्फ ऐसे डालते जाइए, जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उसको आप बीच में डालिए, जितनी भी खाली जगह है वो सारा ही भर जाएगा और ऐसा लगेगा ही नहीं कि नया पौधा अभी तुरंत का लगाया हुआ है। देखिए बिल्कुल नया गमला तैयार हो गया, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये नया लगाया हुआ है, बहुत कम ऐसा लग रहा है, कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल पूरी तरह से अच्छा सा सुंदर सा गमला दिखने लगेगा, क्योंकि इसमें प्लांट तो कम हुए नहीं है, सिर्फ प्लांट डैमेज हो गए थे, उन्हीं प्लांट को उन्हीं पत्तियों को सब ठीक कर दिया गया है। गीली मिट्टी होने के बावजूद ही प्लांट लगने के बाद पानी जरूर डालते हैं, लेकिन इसमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी काफी है और इसे पानी की रिक्वायर्ड नहीं होगी बाद में, बहुत दिनों बाद आप पानी डालेंगे, कम से कम एक वीक बिल्कुल ड्राई मिट्टी हो जाएगी उसके बाद डालेंगे। पत्तियां जो झुकी हुई लग रही है वो एक दो दिन में बिल्कुल अपने आप सही हो जाएंगी।